लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना को बीजेपी से दूर किया, फिर दिल्ली में बीजेपी के अरमानों को चकनाचूर किया, मगर अब तक वो सिर्फ अपनी चुनावी रणनीतियों के दम पर ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे थे और अब पीके संसद में भी केंद्र सरकार की बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। तो कैसे इस संसद में पीके बनेंगे सरकार की परेशानी, इस रिपोर्ट में देखिए। इस साल के आखिर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। आरजेडी सत्ता पक्ष की कमियां गिना रही है तो वहीं बीजेपी और जेडीयू अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सभी की नजरें जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है कि वो जेडीयू से अलग होने के बाद किस पार्टी का हाथ थामते हैं। मगर उससे पहले अब पीके को लेकर एक बड़ी खबर ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है और वो ये है कि पीके संसद में जा सकते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से बिहार में सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी संसदीय राजनीति की शुरुआत पश्चिम बंगाल से कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस प्रशांत किशोर को राज्यसभा में अपने कोटे से भेज सकती है। इस संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि अगले साल सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पीके ममता बनर्जी के लिए खास रणनीति तैयार कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके राज्यसभा जाने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस नए चेहरों को मौका देगी। जानकारी के मुताबिक 4 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन लगभग तय कर लिया गया है। 5वीं सीट पर उम्मीदवारों के बारे में पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तृणमूल के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियों को देखते हुए और अधिक सक्रिय राजनेताओं और राज्यसभा सांसदों की आवश्यकता है, इसीलिए प्रशांत किशोर को मौका मिल सकता है, खासकर तब जब प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में अगर पीके को राज्यसभा भेजा जाता है तो ये पीके के लिए टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर बरसने का इनाम ही होगा। खैर, अब पीके राज्यसभा जाएंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।